हेलो दोस्तों, स्मार्ट होम गार्डन में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त कैश। दोस्तों, आज हम रंगीन पत्तों वाले पौधे के बल्ब लगाने वाले हैं, जिसे क्लाइडियम बोलते हैं और इसके कई नाम हैं, जैसे जीसस हार्ड और एयर एलिफेंट से कुछ मिलता जुलता ये पौधा है। बहुत खूबसूरत और इजी टू ग्रोइंग प्लांट है ये। इसके जो है बहुत से कलर आपको मिल जाएंगे, लाल, हरा, पीला और काले में भी है, सफ़ेद में बहुत से कलर मिल जाएंगे। इसकी 1000 से ऊपर इसकी वेराइटियाँ हैं और जो है इरिसस फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत इजी टू ग्रोइंग प्लांट है ये, बस शेडेड लविंग प्लांट है ये। शेड में ज़्यादा अच्छा चलता है। कोशिश ये करेंगे इसको जो है शेड में रखें, धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते झुलस जाएंगे। और बल्ब कभी भी लेकर आएँ तो बड़े बल्ब लाएँ। ये मेरे जो अगले सीज़न में जो लगे हुए, इसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है कि किस तरह से इसके क्लेडियम के बल्ब को हार्वेस्ट किया जाए, वीडियो पड़ी हुई है। तो ये मेरे वही कलेक्ट किए हुए बल्ब हैं, थोड़े छोटे हैं पर ग्रो हो जाएंगे, अच्छे बल्ब हैं। तो आज हम इसी को ग्रो करने वाले हैं। इसको जो है अगर आप ज़मीन में लगाएंगे हेज की तरह तो ये पूरे एरे को कवर कर लेगा, जो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये एक तरह का कहें तो परेनियल प्लांट है, यानी सदाबहार प्लांट कह लो। ये वैसे तो नवंबर दिसंबर में जब 15 डिग्री के ऊपर तापमान जब चला जाता है इससे, तो इसकी पत्तियां जो है सूख जाती, झड़ जाती, तो आप बेफिक्र रहें। फिर जैसे ही जनवरी फरवरी आएगी फिर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेगा। तो आज हम इसी को लगाने वाले हैं। तो इसके लिए ये मैंने अपने 20% सैंड और 20% कोकोपीट ली है, और जो है अपना ये 60% नॉर्मल मिट्टी है, मेरे गार्डन की सोयल है। अब इनको जो है मिक्स कर ले। अगर आपके पास ये कोकोपीट ना हो तो इसकी जगह पे आप जो है सैंड को ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत इजी टू ग्रोइंग है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें जो है बोन मील हम ऐड करेंगे। ये सफ़ेद वाला बोन मील है, क्योंकि जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं वो जो है उसमें बोन मील डालने से अच्छा होता है। इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि जो बल्ब वाले प्लांट हैं उनको बहुत पसंद होता है। मैं 2 चम्मच ये डाल देता हूँ। और ये फंगीसाइड पाउडर है, साफ फंगीसाइड है। अगर आपके पास साफ फंगीसाइड ना हो तो इसकी जगह पर आप जो है नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नीम खली भी ना हो तो फंगीसाइड है, ऐसे बहुत से कंपनी के आपको मिल जाएंगे, जैसे बवेस्टिन, ट्राइकोडर्मा जो है लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो जो मिट्टी के साथ मिलाएं तो जो है आप जो है ये अपना पाउडर फॉर्म में ही लें। तो अब हम इसको भी ज़्यादा नहीं, बस 1/2 चम्मच डालेंगे। इससे ये क्या होगा कि इसमें जो है फंगस जो भी होंगे ये उनको किल कर देगा, ताकि हमारे प्लांट जो हैं फंगस लगने का खतरा जो है कम हो जाए। तो हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब हम पॉट ले लेते हैं। दोस्तों, मैंने पॉट ले लिया है। ये पॉट मैंने खुद बनाया था, अपने हाथों से सीमेंट पॉट देख सकते हैं मैंने बनाया है। इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। लिंक पे मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा और कमेंट सेक्शन में लिंक करके डाल दूँगा, तो फिर आपको कुछ आसानी है। तो सबसे पहले मोटा इस हिट को चेक कर लें। अब हम ये कोकोनट का सीखा इसमें रख देंगे। ये कंकर है, थोड़ा हम कंकर डाल देंगे ताकि से सब अच्छा बना रहे हैं। Gracias.
बल्ब लगाने से पहले ये पॉइंटेड हिस्सा है देख लो, ये ऊपर रहेगा, ये जल वाला हिस्सा ये नीचे जाएगा, पॉइंट हाथ ऊपर जाएगा, इसको कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी के नीचे दबा लें इसको। मेरे पास 4 कलर के बल्ब हैं, ये देखिए ये इसका पॉइंटेड भाग है, ये जल है, इसको भी मैं इसमें लगा दूँगा। इसी तरह से इसका ये पॉइंटेड भाग है, ये जल है, इसको भी लगा देंगे हम। दूसरा इसका ये पॉइंटेड भाग है, ये छोटे से बल्ब भी बचे थे मैं उनको भी लगा दूँगा, तो इतना सच्चा शायद ये ग्रो ही कर जाए। और आप भी कभी भी बल्ब जब भी परचेज करके लाएँ तो बड़े ही बल्ब परचेज करके लेकर आए। सॉरी जो माफ़ करना, ये गाने वाने से लग रहा है, हमारे गांव में शादी का माहौल चल रहा है, इसके वजह से ये सबसे बड़ा हो रहा है, इसके लिए माफ़ करना थोड़ा सारा भी थी। पानी डाल देना, पानी जो है इसमें पहली डाल में जो है इसको अच्छी तरह से पानी भर देना है, तो इसके बाद 4-5 दिन ऐसे ही रहेगा, ये नरम रहेगी मिट्टी, अगर इसकी मिट्टी सूख जाए अच्छी तरह से दोबारा अभी पानी डालें, क्योंकि ये पल्प है, पल्प को सड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी मिट्टी सूख जाए अभी पानी डालें। और दोस्तों मैं इसकी अपडेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि अगर मैं अपडेट वीडियो बनाऊंगा तो इसका टाइम जो है चला जाएगा, तो अब तो हम ग्रो करने को तो इसको जो है मई जून तक भी ग्रो कर सकते हैं, मई जून में अच्छा ग्रो करते हैं, उस टाइम गर्म कुछ ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी ये फरवरी मार्च का अच्छा है, क्योंकि ये ताकि आपको ये ज़्यादा टाइम तक आपके पास मौजूद है, क्योंकि ठंड में ये जो है सूख जाता है, और इसको जो है पार्शियल शेड में रखते हैं, यहाँ कम जो है धूप आती है, आप इसको पेड़ के छांव के नीचे भी रख सकते हैं या दीवार के किनारे रखते हैं, ताकि जो उसकी परछाई से इसके ऊपर परछाई पड़ती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करा करें, और कमेंट भी किया करें, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें, हम उसका जवाब देंगे आपको, और इसलिए है जो भी कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो, किसी बारे में वीडियो बनाना हो, आप हमसे कहें, हम उस बारे में वीडियो आपको बना कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मार्टफोन का तो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ विदा दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।